देख लिया ये परी रानी सेल्फी। आगे जाइए आप। तिकडे चालली ती हळूहळू माझ्या मुलाला वाटलं कोणतरी आलं बघ म्हणून दोन आई तुझ्याकडे कोणतरी आलं म्हणून बघितलं बाहेर येऊन तर ते म्हणलं कोण नव्हे म्हणलं अशी बाई कोण यायची माझ्याकडे काय घातलं त्यावेळेस अंगात परकर आणि ते टीशर्ट तिथे ते झाडाच्या तिथे गेली आणि डायरेक्ट झाडाला तोंड लावून पानं खात होती बर मग परत पुढे गेली इकडे आमच्या सासू राहते तिकडे गेली जेवायला माहितलं वाटतं मग समजलं नाही त्यांना लागले कोरोनी घरातून आणिपर्यंत ते परत पाठीमागं आले मग इथं बसल्याच्या नंतर बाराच वेळ बसल्या मग म्हणलं हा आला नाक्यावरून त्याला म्हणलं विचार तरी त्यांना मग हा आला जवळ बसला जेवायचं का म्हटला तर त्यांनी रागात बघितलं त्याला वाटलं मारत्यात काय म्हणून उठून बाजूला आला मग घरातून येऊन त्याला जेवायला दिलं त्यांना मग बराच वेळ त्यांनी बघितलंच नाही त्याच्याकडे नंतर घेतलं खाल्लं बसल्या पाणी बिणी प्यायलं वांट्या झाल्यानंतर परत त्यांनी मग थोड्या वेळाने परत चहा देऊ का विचारलं तर मग चहा प्यायला त्याच्यानंतर परत 7-8 वाजता डाळ भात दिला काय कुठलं काय सांगितलं गडीत त्या दिल्लीच्या म्हणतायत काय असं असंच काहीतरी चाललंय काय झालं म्हणतात त्यांच्या काय अत्याचार वगैरे अत्याचार झाले म्हणजे जास्त ते बोलतात ते की लता मंगेशकरला गाण्यासाठी त्यांनी बोलवलं होतं त्यांच्या संग पागल बना देगी उसको गाना गाओगे ना वो पागल बना देगी वहां सिद्धि बैठा है कोर्ट का जो 563 का सिद्धि होता है ना जज वो बैठा है वहां लता मंगेशकर सबको पागल बना देगा कोर्ट में कोर्ट में तीसरी कोर्ट में तमाशा किया तो ये बिस्लरी का पानी तुम सोचते हो ना ये इधर उधर मत सबको पागल बनाएगा पागल खाने पहुँचा देगा वो उससे भिड़े तो वो अरे दीदी आपका नाम जरा एक बार बताइए ना फिर क्या आपका नाम बताइए जिसने दीदी का आपका हम दीदी का नाम बताओ आपका नाम बताइए मेरा नाम की दीदी का नाम आपका नाम मेरा नाम नूर है नूर है हाँ अच्छा आप कहाँ से आए हो गाँव कौन सा है आपका शहर मेरा घर है बस इधारापुर 515 इबटावन फिर जरा जोर से बोलिए आवाज कम 515 इबटावन बस इधारापुर धर्मवीर के मकान में मैं रेंट पे रहती हूँ ये कहाँ पे दिल्ली में है दिल्ली में है बस इधारापुर दिल्ली में है अच्छा ये यहाँ पे आप अभी यहाँ पे आपने खाना खाया यहाँ पे शाम में मेरे को ना पता नहीं क्या क्या मिला खिला देते हैं अच्छा जी और फिर मुझे नंगा कर दिया ऐसी गंदी बातें मैं झूठ नहीं है
समझ गए बाबा, मैं आपसे झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं जो आप तमाशा करें मेरी जिंदगी से, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती। हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। मी योगेश मालखरे, स्माइल प्लस सोशल फाउंडेशन। आता मी शिर्डीजवळ बाबळेश्वर या गावात इथे आम्ही आता आलेलो आहोत। या महिलेची माहिती मिळाली आणि या महिलेवर अत्याचार होत आहे असं या लोकांना वाटलं किंवा तिच्या बोलण्यातून आलं म्हणून आम्ही इथे आलेलो आहोत। माझ्यासोबत दीपाताई आहे, सोनालीताई आहे आणि विशाल जो तो लाईव्ह घेतोय। माझा नंबर मी तुम्हाला शेअर करतो, 8600000। आपण नेहमीच बघतोय की आज महिलांचा विषय नेहमीच धोकादायक असतो, खूप अडचणी असतात। आपण नेहमी मोठमोठ्या ॲड्स बघतोय की बेटी बचाव बेटी पढाव, पण मुलगी शिकली, मुलगीला जन्म दिला, वाचवलं, शिक्षण केलं आणि जेव्हा अशा अवस्थेत कोणती महिला येते तर याला काय पर्याय काय यांच्यासाठी? 15 ऑगस्ट नुकतंच जवळ आलेलं आहे, मी थोडंसं हिंदीमध्ये बोलतो। आप जो ये महिला देख रहे हो, ये दिल्ली का ॲड्रेस बता रही है, आप इतना वीडियो शेयर कीजिए ताकि इसके घर तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि इसको उसका घर मिल सके, हम इसको न्याय दे सके। हम सब लोग यही देखते हैं हमेशा कि बेटी बचाइए बेटी पढ़ाइए, हम बेटी बचाते भी है पढ़ाते भी है, अगर बाद में उसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हादसा होता है तो उसको उसके ऊपर रेप होने के अलावा कोई चारा है नहीं। वो तो बेकसूर रोड पर ऐसी घूमेगी। ऐसे कुछ लोग आज समाज में है जो इनके लिए हेल्प कर रहे हैं। आज हम हमेशा देखते कोई आज भाई भाई का नहीं रहा, लेकिन इतने सब लोगों ने इस महिला की आज मदद की, इनके वजह से आज ये महिला सुरक्षित है। हम ये ज़रूर कोशिश करेंगे, हम इनको अभी लेके जाएंगे, अच्छी जगह पे रखने की कोशिश करेंगे। पता नहीं अभी क्या होगा आगे, फिर भी ये वीडियो इतना शेयर कीजिए कि ताकि इस महिला को न्याय मिल सके। दिल्ली में हमारे धीरज भाई शर्मा जो है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रवादी के, हम उसे दरख्वास्त करते हैं कि भाई साहब आप इस वीडियो को दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाइए ताकि इसका घर मिल सके। किसी भी औरत को घर तक पहुंचाना बहुत अच्छा काम हो जाएगा कि ऐसी औरत जो रोड पे आज इतनी बुरी अवस्था में है, अगर ये लोग ना होते तो शायद पता नहीं। तो मार्शल लॉ राष्ट्रपति मार्शल लॉ गवाह मुझे क्या जी, ये राष्ट्रपति से मार्शल लॉ होता है, मार्शल लॉ है ना या अध्यक्ष का? नहीं, लॉ नहीं, तो घर से बाहर निकलना मना होता है ना। हाँ मार्शल में शूट हो जाता है, बाहर निकलते शूट मार दो, गोली मार देते। अभी हम क्या करेंगे दीदी, हम अभी जाएंगे। डोंट टच मी। ओके ठीक है ताई, चलिए आप चलो। कहाँ चले, कहाँ चले, कहाँ से आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं? मुझे आपको न्याय दिलाने का, कहाँ से न्याय दिलाओगे? ब्रह्मांड में स्वेटर के ऊपर नमक, चूड़ियों में पर्दे, बॉडी में लाखा, चुच्ची, पांच दियो। आप सुनोगी ना, देखो मेरा हाथ जोड़ती यहाँ से चल रहे, मुझे कहीं नहीं जाना है। तो यहाँ कौन है आपका? चाहे कोई भी हो, मैं ऐसे भटकती रहूंगी जंगलों में। अच्छा, मैं ऐसे खा के मुझे तुम्हारा खाना नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा खाना नहीं चाहिए, नहीं जाऊंगी। हम यहाँ से लोनी पुलिस स्टेशन जाएंगे और इस महिला को न्याय देने की कोशिश करेंगे। आप सभी मेरे भाइयों से दरखास्त है, अगर आप सच्चे भारतीय हो, सच में आपको इस 15 अगस्त की तैयारी कर रहे हो, आपको अभिमान है इस देश पे, अपने जो सीमा रक्षक है हमारे भारतीय नौजवान उनके लिए और कुछ इज्जत है, तो ऐसे लोगों के लिए भी हम न्याय देना हमें बहुत जरूरी है। तो आप प्लीज शेयर कीजिए ताकि इस महिला को हम घर तक पहुंचा सकें। ताई गेसन,
आपने देखा होगा कि हमारे लाइव बहुत कम मिनट्स के होते हैं, 10 मिनट 15 मिनट, क्योंकि वो लाइव होने से पहले कितने घंटे और उसके बाद कितने घंटे का टाइम जाता है हम आपको नहीं बता सकते, बहुत मुश्किल वाला काम हो जाता है। फिर भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको न्याय दें। हमें भी तकरीबन 200 किलोमीटर से मैं अभी पुणे से यहाँ पे आया हूँ। मेरा नंबर मैंने आपको शेयर किया हुआ है 8600000806। ताई घेना चल मुंबई की जल्दी उठो आप। अरे ताई जी बसत नाही का? वो बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं आने के लिए साथ में। काय होत आई हा पाय सर ए बाळा जाऊ का आप देख सकते हो कि कितनी तकलीफ होती है किसी को हेल्प करने की। आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो एक बटन दबाना है आपको शेयर का जरूर इस माँ के लिए, ताकि ये हम उसको घर तक पहुँचा सके। यही आपसे एक विनती है पूरे फेसबुक मित्रों से कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दिल्ली तक ये पहुँचाइए। और धीरज भाई जी शर्मा आपसे हमारे हाथ जोड़ के विनती है कि आप ये ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचाइए वीडियो, ताकि इनको घर मिल सके। मेरे साथ मेरी दीदी है, देख सकते आप उसकी हालत कैसी हुई है। अगर ये दोनों नहीं होते तो हम शायद इनको आज लेके जाने में कामयाब नहीं होते। बहुत आसान होता है किसी को निगेटिव बात करना या किसी के खिलाफ गलत बात करना, लेकिन किसी को गिराना बहुत आसान होता है, किसी को उठाना कितनी तकलीफ होती है आप देख सकते हो। ताई कसं वाटतंय तुला आता? सर वाटायला गेलं कैसा लग रहा है आपको अभी? वैसे तो लग रहा है आज 15 अगस्त आ रही है, अपना देश आजाद है, लेकिन नहीं लगता कि आजाद हुआ। अपनी बहू बेटी, अपनी बेटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब सिर्फ नारे लगाते हैं, लेकिन जब अपने घर से बारी आती ना, जब बेटियों की ऐसी हालत होती है, वो बेटी जब तड़फड़ रही ना, भाई ने अत्याचार किए, पिताजी ने अत्याचार किए, इन्होंने किए, सब ने किए, बेटी की इज्जत घर से करना सीखो तो दरवाजे वाले करेंगे। जब भारत में बेटी की इज्जत होगी ना तो बाहर भी होगी, मैं इतना ही बोलूँगी। आज एक बेटी को, एक औरत को जब न्याय देने के लिए हमारी सांसें फूल रही है, इतनी सांसें जब प्यार से लगाओगे ना तो ऐसी हालत किसी की नहीं होगी। मैं इतना ही कर रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और ये महबूब बेटी को, ये माँ को, ये बहन को, ये सिस्टर को, उसके घर तक पहुँचने के, उसका न्याय देने के लिए मेरे भाई योगेश दादा मालखेड़े को हेल्प करो, यही चाहती हूँ मैं बस, और कुछ नहीं। आप देख सकते हो ये दोनों दीदियों का क्या हालत हुआ है, और भी हम गाड़ी में बिठाया है जो अभी बैठे हैं गाड़ी में, तो हम इनको ज़रूर अच्छी तरह से हेल्प करने की कोशिश करेंगे।
आप भी सब लोग इसको शेयर कीजिए ताकि इनको हम घर तक पहुंचा सकें। इतना ही आपसे कहना है, विनती है। और ये सभी लोगों का मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने सबने हेल्प की। दूरी 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 काय कसं वाटतं आता तुम्हाला? छान वाटतं। तिच्या घरी जाईल ती, तिचा असं काही होऊ नये म्हणूनच आम्ही पण एवढा प्रयत्न केला की एवढं झालंय तिच्या बरोबर, अजून काही नको गाठायला। इन्होंने हमको फोन करके बताया था, ये फेसबुक की ताकत है जो हमको यहाँ तक लेके आई। कैसा लगता है आपको और अपने क्या क्या संदेश देंगे हमारे दोस्तों को? आता बरं वाटतंय एकंदरीत, म्हणजे 5 वाजल्यापासून ती महिला इथं बसलेली होती, मी इथंच रात्रभर, मी इथंच आहे। 5 वाजले आता, 5-12 घंटा होऊया तर 5 वाजेपर्यंत मी यांची योगेशदादांची वाट पाहत इथंच बसलेलो होतो आणि इथून कुठं झालो नाही। त्यांची सांगितल्यानंतर अत्याचार झाले, हे झालं ते झालं, त्याच्यानंतर इथून हल्लोच नाही। आम्ही तिघे जण होतो, गणेश आम्ही तिघे इथेच होतो आणि यांची वाट बघत होतो आणि आता योगेश दादा बरोबर जात आहे म्हणजे आता एकदम सेफ आहे आणि त्यांच्या घरी पोहोचणार आहे, हे आनंद वाटते। थँक्यू थँक्यू। आणि असाच आपल्याला सगळ्यांना आधार द्यायचा आहे आणि अशा आधार देण्यासाठी आम्हाला संस्थेला आपण मदत देखील करू शकता। आमचा अकाउंट नंबर तुम्हाला शेअर करत आहे, आमचा पेटीएम नंबर देखील आम्ही तुम्हाला शेअर करतो, 8600000806। अशा लोकांना नेण्यासाठी महाराष्ट्रामध्ये कुत्र्यांसाठी गाड्या आहेत, अशा लोकांना योग्य त्या ठिकाणी पोहोचवण्यासाठी कोणतीही गाडी महाराष्ट्र शासनाकडे उपलब्ध नाही। असंही तर शासनाने आम्हाला कळवावी, आम्हाला लेखी पत्र द्यावं की आम्ही अशा मनोरुग्णांसाठी काम करतोय, 108 असेल तरी आम्हाला चालेल, पण आम्हाला एक संस्थेला लेखी पत्र किंवा आम्हाला ये व्हिडिओ एवढे शेअर होतात, कुणीही एक जबाबदार व्यक्तीने जरी फोन केला की 108 गाडी तुमच्यासाठी आम्ही उपलब्ध करून देऊ तरी आम्हाला आनंदाची गोष्ट आहे, आम्ही त्याच्यामध्ये नक्की ज्यांना न्याय द्यायचा प्रयत्न करू। तर तुम्ही जर आम्हाला मदत केली तर आम्ही माणुसकी निवास या नावाने आश्रम देखील आमचं चालू आहे, बराच खर्च असतो या संस्थेसाठी काम करायसाठी। आपण बघतोय मी 200 किलोमीटर आत्ता आलेलो आहे, परत 200 किलोमीटर जायचं आहे, या सगळ्या गोष्टींचा होणारा खर्च आपण जर मदत केली तरच आम्ही हे काम करू शकतो। आप सब लोग अगर थोडी थोडी मदत करेंगे, मैं तो ये कहना चाहता हूँ आज सबसे कि 15 ऑगस्ट के दिन अगर आप 10 रुपये का झंडा खरीद सकते हो, उसकी कीमत नहीं कर सकते, कम से कम वो 10 रुपये भी आप हमारी संस्था को देंगे तो वो भी करोड़ों में हमारी संस्था में पैसे जमा हो जाएंगे, हम इतने झंडे खरीदते हैं। कोई बड़ी बात नहीं होती किसी को मदद करना, लेकिन दिल होना चाहिए। आप सब लोगों के पास है, इसलिए हम आपसे विनती करें ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम ऐसे लोगों को हेल्प कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।